हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में जैसा मैंने कहा था मैं पांच मिनट पहले ही इस क्लास में हाजिर हूं देखो दोस्तों जिस तरह का इंथ्यूज मुझे इन क्लासेस को लेकर है मुझे इंतजार था वैडनस से कि मैं कब आपसे फिर मिलूंगा वैसा ही जोश आपके अंदर भी होना चाहिए देखो दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि एनसीआरटी एक बहुत अच्छी आपकी किताब है और ये किताब ना सिर्फ ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जेई मेन्स और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने ये क्लासेस आपके लिए रखी है देखो ऑनलाइन में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीजें आप समझ पाए क्रॉस क्वेश्चनिंग का चांस थोड़ा कम होता है बट इट्स ओके सो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन क्लासेस को पूरे सीरियसली आप लें और उन रूल्स को ध्यान रखें और टाइम पे आए क्लास के स्टार्ट होने के पांच मिनट पहले आप यहां आ जाए दस दस का टाइम है दस पांच पे मैं शुरू कर दूंगा दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और हमने यहां बात करी है हेलो हेलो एल्केन एंड की आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और घर पे सब कुछ कर रहे हैं आज के रूल्स भी हमारे ठीक वैसे ही रहेंगे हम क्या करेंगे हम इन रूल्स के अंदर जिस मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं अगर जो बच्चे अब आ चुके हैं लेट मी चेक कौन कौन अभी आ चुका है टाइप uh, यस इन द चैट बॉक्स इफ माई ऑडियो वीडियो क्लियर गाइस आई एम वेटिंग टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ माई ऑडियो वीडियोज क्लियर आई एम वेटिंग ओके ईशानी आर गेटिंग इट फाइन दोस्तों सो so, अब हम शुरू करेंगे और जहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीबीएसई की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं तो कुछ क्वेश्चन उस हिसाब से लिखने सिखाऊंगा भी और आज हम कुछ क्वेश्चन वैसे डिस्कस भी करेंगे सो so, अब हमारे पास दो मिनट का टाइम रह गया है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग यस नाउ वे अबाउट टू स्टार्ट अवर क्लास टूडे लास्ट so क्लास में हमने जो किया था अब वहां से आगे बढ़ेंगे फटाफट आइए फटाफट कॉपी पेन निकालिए लेट्स स्टार्ट दोस्तों लास्ट क्लास में हमने यहां पर छोड़ा था इस क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे आइए शुरू करते हैं और पहले एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं स्टार्ट okay, करने में अगर एक प्रॉब्लम से स्टार्ट हो तो मजा आ जाता है दोस्तों अब जरा देखते हैं अगर मैं आपसे पूछूं ये पूछूनसी का ही क्वेश्चन है थोड़ा सा पेपर को लाइन थोड़ी सी इसकी ब्रॉड कर लेते हैं अब आएगा मजा चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन भी दोस्तों साइड बाई साइड लिखते जाना अपनी क्लास वर्क कॉपी में हेल्प करेगा तुम्हें तो फाइनली किसके लिए भाई जब आप तैयारी करेंगे अपने सीबीएसई बोर्ड के लिए भी तो वहां पर भी ये हेल्प करेगा आज 27 है सो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का और फिर शुरू करेंगे आंसर भी मैं ही लिखवाऊंगा डोंट वरी लेकिन आपको सोचना जरूर है सो so, पहला क्वेश्चन है अ हाइड्रोकार्बन अ हाइड्रोकार्बन C5H10 C5H10 does not react with chlorine does not

क्लास का टाइम भी जो का था वो हो चुका है जो बच्चे अब ज्वाइन कर कर चुके हैं हैं हमें उन सब के के लिए बता दूं कि कि मैंने जो रूल्स रूल्स था वो रिवाइज करा है है एक बार आज फिर से से आपको बताया क्या रहेंगे इस क्लास के। और और हम हम बड़े ही आसानी आगे बढ़ गए हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इस अब दोस्तों एक चीज सोचो यहां पर सोचना कैसे कैसे है और कैसे कैसे लिखना है इसका आंसर किस तरह लिखा जाएगा ध्यान देना जरा जब भी आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे सी फाइव एच टेन है तो सी फाइव एच टेन जो हो गया वो क्या हो गया जरा समझते हैं दोस्तों बच्चों आई थिंक माई ऑडियो वीडियो क्लियर Let me check. I think there is something wrong. No, it is live. Yes. Everything is clear, Vacho. Please type yes if my audio video is clear. Please type yes if my audio video is clear, you. I'm waiting. आई एम वेटिंग दोस्तों बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है शायद कनेक्शन में दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पास चैट बॉक्स ब्लॉक हो गया है प्लीज टाइप यस इफ माई ऑडियो वीडियो क्लियर आई एम वेटिंग प्लीज टाइप यस बच्चों इफ माई ऑडियो वीडियो क्लियर यस ओके फाइन थैंक यू एक्चुअली आई फील लाइक कि शायद क्लिक हुआ क्यों मेरा अपना जो तुम्हारा चैट का कनेक्शन था वो नहीं इसमें ऑन हो रहा था चलिए चलिए दोस्तों अब इसका देखो अब आंसर कैसे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन है C5H10 है वेरी गुड इसका मतलब ये सी एन एच टू एन है दोस्तों एल्कीन वाली चीज बता रहा है ये, तो तब यहां से आप दो चीज सोच सकते हो या तो ये ध्यान से देखा जाए तो एल्किन होगा और या देखा जाए तो साइक्लो एल्कीन होगा मैं ये बता रहा हूं कैसे इन क्वेश्चन को सोचा जाता है अब एक चीज सोचो क्लोरीन के साथ अगर हम बात करें सो डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा अल्कीन समहाउ एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है बट डार्क में नहीं कर रहा इसका मतलब एल्कीन तो नहीं हो सकता सो तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि तो एडिशन की तो बात नहीं चल रही डार्क में नहीं हो पा रहा इसका मतलब 100% क्या होगा ये साइक्लोएल्केन होगा अब दूसरी चीज क्या दे रखी है देखो मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सोचा क्योंकि तो ऐसे क्वेश्चन भैया दिए जाते हैं C5H10 था डनॉट रिएक्ट विद क्लोरिन नहीं दे रहा और अगर एडिशन नहीं दे रहा तो फीर एडिकल क्योंकि ये तो इसका मतलब अब देगा सिंगल मोनोक्लोरोलोरोगा या तो अब देखो इस फॉर्मुले से या तो आता है एल्किन या आता है साइक्लो एल्किन एल्किन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों और साइक्लो ये दोनों रिंग चेन आइसोमर होते हैं ठीक है तो पांच वाला था तो पांच वाले का अगर साइक्लिक कंपाउंड बनाता हूं तो ये मिलता है अब क्लोरीन कहीं भी लगा लू मोनोक्लोरो कंपाउंड अगर लेता हूं तो हमेशा इसका नाम क्या रहेगा या तो यहां क्लोरीन लगा लू या यहां क्लोरीन लगा लू कहीं भी लगा लूं भाई इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा भाई वन साइक्लोपेंटेन और अदर साइक्लोपेंटेन तो कहीं भी लगा लू नाम तो एक ही है कंपाउंड तो एक ही है क्योंकि साइक्लिक है और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी एक ही है सो इसलिए ये वाला हाइड्रोकार्बन होगा इस तरह जज करते हैं इस तरह समझते हैं कि कैसे आपको निकालना है चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ प्रेपरेशन राइट द इक्वेशन ऑफ प्रेपरेशन दोस्तों लास्ट टाइम मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने बात करी थी। प्रेपरेशन ऑफ वन आईडो ब्यूटेन फ्रॉम नंबर वन वन ब्यूटेनॉल नंबर टू वन क्लोरोब्यूटेन एंड नंबर थ्री ब्यूट वन इन इन तीनों से बना के दिखाइए वन आइडोब्यूटेन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना जितना ज्यादा पकड़ अच्छी होगी कन्वर्जन पर उतना ही मजा आएगा भैया कन्वर्जन अच्छे होने बहुत जरूरी है और ऐसे क्वेश्चन बड़ी हेल्प करेंगे बेटा ऑर्गेनिक में जैसा मैंने कहा ही था तो उसमें से एक बढ़िया ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन जरा ध्यान देते हैं इस पर फटाफट अपनी कॉपी के अंदर सबको बनाइए और देखिए कैसे हो रहा है कोशिश करना बच्चों नेम रिएक्शन लगा सको मैंने आपको तीन पार्ट दिए हैं और तीनों पार्टों में आप तीनों पार्ट के अंदर आप वन वन मिनट लगा लो और कोशिश करो कि अगर आप नेम रिएक्शन यूज कर सकते हो तो फिर तो मजा आ जाएगा चलिए दोस्तों आई थिंक सही बच्चों ने आइडिया तो बना लिया होगा एक मिनट और देख रहा हूं फिर मैं करना शुरू करता हूं हमें बनाना है पहले सबसे पहले बच्चों कन्वर्जन में एक चीज ध्यान रखना क्या हमें दिया है हमें दिया है वन ब्यूटेनॉल और बनाना क्या है वन आइडो ब्यूटेन अब एक चीज समझो पहले तो ये देखो क्या क्या दिया है ये दिया है ये बनाना है ओवे OH हटाना है आई लगाना है ओवे OH हटा के आई कैसे लगाएंगे दोस्तों बड़ा आसान है अगर हम यहां पर एसोसियल टू लगाएंगे और यहां लिखेंगे प्रोसेस तो मुझे मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से क्लोरोब्यूटेन और अगर फिर हम हेलाइट एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे एन ए आई और ये कौन सी थी मेरे भाई फिंकल स्टीन रिएक्शन तो मुझे मिलेगा आइडोब्यूटेन अब देखो बच्चों स्कूल में जब भी आप एग्जाम देंगे सीबीएसई का तो एक तो इस वर्टिकल ऑर्डर में आप रिएक्शन लिखिए यहां पर आप रिएजेंट लिखिए यहां पर रिएक्शन का नाम इफ पॉसिबल यूज कीजिए नेम रिएक्शन और यहां पर रिएक्शन का नाम लिख दीजिए यहां पर एच नहीं लगाए मैंने लेकिन स्कूल में आप एच जरूर लगाइएगा अब देखो बड़ा मजा आएगा जब आप एच लगाएंगे आप जब रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन के साथ आप प्रोसीड करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो पहला वाला सबको पल्ले पढ़ा डार्जन प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, था अब दूसरा कितना आसान हो गया यहां पर भाई कह रहा है वन क्लोरो ब्यूटेन से बनाइए तो वन क्लोरोब्यूटेन तो ये रहा तो यहां पर खाली ये वाला स्टेप चाहिए आसान है कोई चाहता है कि मैं रिपीट करूं तो टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स फटाफट टाइप रिपीट इन द चैट बॉक्स दस सेकेंड वेट करूंगा अगर नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा चलिए दोस्तों अब तीसरा वाला देखते हैं ब्यूट वन इन से आइडो सो तो दोस्तों ब्यूट वन इन मेरे पास क्या है ये है और इससे मुझे बनाना है ये अब पहला तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं यहां पर अगर सीएल या बी लगा दूं तो काम हो जाएगा अब यहां पर इजीली क्या लग सकता है मेरे बच्चों यहां लग सकता है अगर मैं डाल दूं एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन सो मुझे बड़ा आसानी से यहां बी आर मिल जाएगा और फिर यहां पर तो बहुत आसान है ही भैया फिंकल स्टीन रिएक्शन हेलाइट एक्सचेंज देखो तरीका यही रखना है वर्टिकल यहां मैं तो कर रहा हूं बट आपको वर्टिकल चलना है किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बता दो जी रिपीट कर दो बेटा चैट बॉक्स में रिपीट अगर यहां तक कोई डाउट है तो नहीं तो मैं आगे बढ़ू

Free radical halogenation is not a preferred method, is not a preferred method, preferred method for preparation of alkyl halides. भाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्यों नहीं करना चाहते आप एक अच्छा खासा तरीका है क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन जैसे हम करते थे हम क्यों नहीं कर सकते उसको आइए बच्चों इसका आंसर जरा बड़े ध्यान से नोट करना भाई देखो ऐसा है ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है कहने का मतलब क्या है पहला प्रॉब्लम क्या है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप क्लियर नहीं हो रहे हैं कि यार इस चीज में इतना ही लिखा जाता है इस चीज में इतना ही पढ़ा जाता है अगर आप इस तरीके से तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे मिक्सचर ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आएगी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है वैसे ही मान लीजिए मैं ब्यूटेन के अंदर क्लोरिनेशन करता हूं तो समस्या ये है मुझे वन क्लोरो भी मिल जाएगा जी टू क्लोरो भी मिल जाएगा जी टू टू डाइक्लोरो मिल सकता है मुझे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे जो मेरा डिजायरेबल है उसकी ईल्ड कम रहेगी क्लियर है अब ध्यान से देखिए कुछ पॉइंट इसमें यहां पर कुछ पॉइंट है जो नोट कर लेना इनमें जो जितने हमारे मिल रहे हैं अगर ये मोनोक्लोरो होंगे बच्चों ये बड़े ध्यान से समझा रहा हूं ध्यान से सुनना ये आइसोमेरिक अगर सिंगल वाले बात करूं तो अगर हम सिंगल वाले बात करते हैं तो ये हमें आइसोमेरिक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं अब भैया जेई मेन के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है ये ठीक है ये ध्यान रखना तो मैं लिखवा रहा हूं कौन क्या देगा इथेन गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्इल मोनो सब्सिट्यूट खाली वन टाइप देगा ऐसा क्यों जरा ध्यान देना दोस्तों इथेन की अगर बात करता हूं मोनोक्लोरो तो पर देखा जाए तो सारे एच सेम सेम टाइप के हैं हैं ये ये कार्बन प्राइमरी है इस पे ये तीन हाइड्रोजन लगे है, वो सेम ही दोस्तों ध्यान से देखो इसी चीज को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया है आज तो सबसे पहले दिया था यहां वाला एच 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 देखा जाए तो सारे एच एक ही टाइप के हैं इसीलिए दोस्तों ये क्या था सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा था ये कॉन्सेप्ट दिमाग में गया ये बहुत जरूरी इन क्लासेस में ये चीजें बहुत आराम से डिस्कस करूंगा भैया तो ये जो कंसेप्चुअल है जो हाँ जी बच्चों अब आई थिंक क्लियर है सब कुछ आ गई है फिर से हमारे पास कोई नहीं दो तीन मिनट का रहता रहता है भाई यहाँ पर मैं जहाँ हूँ वहां पर यह दिक्कत हो जाती है कभी कभी आज मैंने थोड़ा जगह भी चेंज करी शायद कोई दिक्कत ना हो बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं वाईफाई नहीं है ना मोबाइल से चला रहा हूँ तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर अब बच्चों अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज टाइप यस सो दैट आई कैन प्रोसीड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है देखो इस लगन के साथ जो मैं बैठा हुआ हूँ वही लगन मुझे आपकी भी अंदर भी चाहिए हाँ भैया ऑडियो वीडियो क्लियर है प्लीज टाइप यस आई एम वेटिंग दोस्तों अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप यस नाउ सो दैट वी कैन प्रोसीड ओके सो ईशानी ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन मैंने बड़े ही आसानी से आपको बताया वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास बात थी भी नहीं एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर क्योंकि एक ही टाइप का था तो एक ही इसका आइसोमर बना अगला देखो ये नंबर ऑफ टाइप ऑफ आइसोमर पूछता है वो कॉम्पिटिशन टेस्ट में भी इसे लिखवाई देता हूं प्रोपेन एन ब्यूटेन एन आइसोब्यूटेन And इसमें ध्यान रखना बच्चों आइसोमर बनेंगे के। एक देना भाई इसके हो, इसके, हो, इसके हो दो बनेंगे अंकल खत्म अगला एनपेंटेन में तीन है और आइसो पेंटेन में फोर है एनपेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन भाई एन पेंटेन में थ्री और आइसोपेंटेन में फोर तो दोस्तों अगर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना रहे हो तो फ्री रेडिकल को प्रेफर नहीं करोगे उसमें नुकसान है और नुकसान बहुत बड़ा है और वो नुकसान क्या है अजी वो नुकसान ये है कि वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगा हमें चाहिए स्पेसिफिक वो नहीं देगा मिक्सचर देगा ठीक है जी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बालक को बिल्कुल क्लियर है बात यहां तक ठीक है आगे बढ़ते हैं जी अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों भाई अगर मैं आपसे कहूं एक छोटा सा कन्वर्जन मैं आपसे और कह रहा हूं फिर मैं आज का टॉपिक जो एस एन वन एस एन टू भी है उसको एनसीआरटी के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है वो समझाऊंगा तो आइए जरा बात करते हैं यहां पर और ये बात क्या है मेरे पास है बच्चों इथेनॉल और मुझे बनाना है ब्यूट वन आइन इथेनॉल दिया हुआ है और बनाइए ब्यूट वन आइन चलिए जी शुरू हो जाइए दिए आपको दो मिनट दिए शुरू हो जाइए बच्चों बस एक मिनट के अंदर मैं बता रहा हूं सिद्धांत कोई दिक्कत नहीं अगर पेपर सॉल्व करते तो कुछ डाउट आ भी रहे हो ना बच्चे तो मुझे वो व्हाट्सएप करो ठीक है और मैं वो डिस्कस कर लू तो कोई दिक्कत नहीं इजी है कोई टेंशन नहीं बेटा और कोई टॉपिक ऐसा पढ़ना है तो वैसे भी कल से एक जेई की जो है क्लास होगी कल कल मैं बताऊंगा किस तरह पढ़ा रहा हूँ जेई के कुछ टॉपिक में सारे नहीं बता पाऊंगा बेटा बट कुछ टॉपिक मैं सारे क्योंकि क्यों, नीट का भी लगा रहा हूं ये भी क्लास है ऑलरेडी बहुत क्लासेस हैं ऑनलाइन वैसे भी मेरी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी ज्यादा बोलोगे वो लगा दूंगा कोई टेंशन नहीं है उसमें चलिए सो बच्चों आप लोगों ने ये कर लिया होगा बहुत आसान है एक बार फिर समझाते हैं बिल्कुल बेटा लीटर आयन ये वहां पढ़ लिया होगा तुमने अभी बायो कर रहे होंगे ना वहां भी है कोई दिक्कत नहीं समझा दूं पढ़ो अभी फिलहाल यहां ध्यान दो जय वाले में बता देना वैसे भी अपना डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां देखो इथेनॉल दे रखा था तो बच्चों ये हटाना है और ये लगाना है ओएच हटाना है और ये हमें लगाना कैसे करेंगे आइए समझते हैं सबसे बढ़िया तरीका इसके पास हमारे पास यह है कि हम यहां पर लगा लें एसोसिएट टू प्रोसेस। हमें यह मिलेगा अच्छा इसके बाद हम क्या करें इसके अंदर बच्चों हम डाल दें सोडियम एसीटाइलाइट यह कहां बनता था इलेवेंथ में बच्चों ये आपने पता करा था इसे कहते थे अब ये जो कहानी है इथाइन एसिटाइलीन कहा जाता है इसे। इसका ये एच बी एसिडिक है और ये एच बी एसिडिक है भैया एसिडिक क्यों है एसिड और बेसिस के ऊपर बहुत कुछ बताया जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखो वो स्पीशीज एसिडिक होती है वो एच एसिडिक होता है जिसको हटाने के बाद जो हमारे पास बचे वो स्टेबल हो कॉन्जुकेट बेस अगर इससे एच निकालता हूं तो यहां आता है माइनस ध्यान से सुनना ये जो कार्बन है बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग ये एसपी हाइब्रिड है दोस्तों एसपी हाइब्रिडाइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होगी और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है तो ये नेगेटिव चार्ज को बेटर होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो इसका मतलब लेके आता है तो इसमें जब एनएनएसू डालोगे तो एन यहां लग जाएगा और ये ध्यान रखो अगर ये एसिटाइलिन था भाई ओ पे लग जाए माइनस टू तो ऑक्साइड अगर लग जाए कार्बोक्सिलिक पे तो कार्बोक्सिलेट क्लोराइड लग जाए क्लोराइड क्लोरीन लग जाए क्लोराइड फ्लोरिन लग जाए फ्लोराइड आइड लगता जाता है एसिटालाइन पे लग जाए तो एसिटाइलाइड तो ये सोडियम एसिटाइलाइड है दोस्तों और अगर ये एने यहां डाला है और ये निकल गया है तो ये बहुत मस्त तरीके से ये बन गया ये भी एन का कन्वर्जन है कन्वर्जन बहुत जरूरी है और यारों ये बहुत करेंगे हम डोंट वरी कन्वर्जन पे बहुत बात चलेगी अब यहां तक करने के बाद इस चीज को समझने के बाद हमने अभी तक काफी चीजें समझी हैं और अब मैं आपको छोटा सा आइडिया देने वाला हूं एस एन और एस एन का और उसके बाद हम कौन सी रिएक्शन बढ़िया एस एन करेगी कौन सी रिएक्शन बढ़िया एस एन करेगी इसको समझेंगे बच्चों एस एन एंड एस एन को समझते हुए छोटी सी कहानी याद रखना आइए जरा पेन चेंज करते हैं मान लीजिए हमारे पास ये वाला कंपाउंड है भैया ये जो जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है वो तीन कार्बन से अटैच है तो ये टर्शरी हेलाइड हो गया क्या हो गया दोस्तों टर्शरी हेलाइड गुड इवनिंग पर। तो ये हेलाइड हो गया सो अब ये टर्शरी हेलाइड हो गया तो एक चीज समझना यहां पर जब आपने केवच डाला तो के तो चलो अब CL को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इस तरह समझना बेटा तो एक हो गया है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ओ एच माइनस माइनस को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा यानी ये भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो निकलेगी वो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की इन क्लासेस के अंदर क्योंकि सीबीएसई बेस्ड है तो यहां मैं सिंपली एनसीईआरटी के हिसाब से समझाऊंगा और जेई वाली क्लासेस के अंदर जो ज्वाला देखना चाहे तो इस चैनल पे भी जेई की क्लास है वहां मैंने बताया है कि यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्सिट्यूशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है फिलहाल यहां अगर आप समझेंगे तो इसने सीएल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ओ OH एच ने सीएल को रिप्लेस करने की ठानी अब एक समस्या है दोस्तों फ्रंट साइड से सीएल निकल रहा है और सीएल नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो फ्रंट साइड से ओएच OH माइनस तो जा नहीं सकता भाई मान लेते हैं ये आप हो ये आप हो। ये आपका आप वो दोस्त है जो आपके घर आता है और बैठ के दोनों आप पबजी खेलते हो अच्छा आप टाइम वेस्ट करते हो उसके साथ ये आपके पापा को पता है तो पापा जब ऑफिस जा रहे हैं और फ्रंट गेट से जा रहे हैं तो आपका ये दोस्त फ्रंट गेट से तो आ नहीं सकता पापा भगा देंगे रिपल्शन हो जाएगा मेरे भाई ये भी सीएल माइनस ओच माइनस है रिपल्शन हो जाएगा तो फ्रंट साइड से तो अटैक हो नहीं सकता तो इसने सोचा क्यों ना मैं घर के पीछे वाले गेट से चलूं अच्छा वहां पर भी ये तीन बल ग्रुप है घर के पीछे वाले गेट पे भी कुछ अंकल आंटी बैठे हैं उन्होंने बोला अरे बेटा कहां जा रहे हो ब्लॉक कर दिया कि पापा ने कह रखा था कि बेटा पीछे से भी ना पाए ये बच्चा जो है गेम में लाके बिगाड़ रहा है तो ओ एच माइनस फ्रंट अटैक तो पॉसिबल ही नहीं था बैक अटैक भी नहीं कर पा रहा ये जो पीछे से अटैक हो रहा है ये ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ दिस बल की तो पहली चीज बच्चों ये नोट करना नो बैक अटैक अपने दिमाग के अंदर बैठा लो बैक अटैक नहीं हो सकता अगर होगा तो एस एन टू और नहीं होगा तो एस एन वन और वो कैसे बताता हूं तो इसका मतलब पहले स्टेप में ओ एच माइनस वो दोस्त जो पबजी खेलने आया था वो कुछ नहीं कर पाया वो अब आपकी सोसाइटी के बाहर बैठा है और वेट कर रहा है कब आपके पापा जाए अब क्या हो रहा है बच्चों ये क्लोरीन हट चुका है और कार्बोकटाटायन बन चुका है ध्यान से देखना यहां पर कार्बोकेटायन स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो पहली चीज आपने नोट करी थी नो बैक अटैक दूसरी आप बात कर रहे हैं जो मिल रहा है इंटरमीडिएट वो स्टेबल है क्लियर है दोस्तों तो ये दो बातें अभी तक हमने समझी अब जब Cl हट चुके हैं इसके बाद सेकंड स्टेप में OH- आएगा और फिर दोनों बैठ के PUBG खेलेंगे यानी अब OH- यहां लग गया तो इफेक्टिवली अगर देखूं तो OH- ने Cl- को सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है दोस्तों इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफ़िलिक सब्स्टिट्यूशन या एस एन रिएक्शन अब एक चीज जरा ध्यान से देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में हो रही है पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है जा रहा है जिसे कहा जाएगा लिविंग ग्रुप सिर्फ वो मौजूद है पहले स्टेप में सिर्फ लिविंग ग्रुप है दूसरे स्टेप में अराइविंग ग्रुप है और लग गया है तो अगर मैं ध्यान से कहूं तो एट ईच स्टेप ओनली वन Nucleophile is present at each step, only one nucleophile is present. That is why this type of reactions are known as nucleophilic substitution. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दोस्तों जिस तरह हैं हम एमबीबीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना जैसे भैया बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को बोलते हैं एमबीबीएस तो वैसे ही हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन को ऐसे लिख दिया जी एस एन और बिकॉज दिस इज यूनिमोलिकुलर तो एस एस एन वन दोस्तों दो स्टेप में हो रहा है भैया मैकेनिज्म दो स्टेप में हो रहा है एट ईच स्टेप ओनली वन न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट दैट इज वाई दीज रिएशन आर एस एन वन रिएक्शन यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स लेट सी प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स आई एम वेटिंग अगर कोई चाहता है मैं रिपीट करूं तो मैं रिपीट कर दूंगा चलिए जी अभी वेट कर रहा हूं बच्चों कोई चाहता है कि एस एन वन को रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं दोनों रिएक्शन आज समझानी है फिर वेडनसडे को इनकाम पढ़ेंगे भैया किस तरीके से आगे स्टीडियो केमिस्ट्री है किस तरीके से इसमें आगे चीज चलेगी चलिए दोस्तों तो एस एन वन में यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टाइप वन अब क्या होता अगर मेरे पास यह होता अब मैं डालता के वच अब फिर से ओच OH माइनस आता अब ओच OH माइनस क्या करता जी फ्रंट अटैक तो फिर नहीं होगा लेकिन यस इस बार यहां पर दो ये छोटे मोटे से हाइड्रोजन है जी तो ये बैक अटैक तो इस कार्बन पे आसानी से कर सकता है पॉइंट टू बल्कि ग्रुप थे, बैक अटैक नहीं हुआ हल्की ग्रुप है बैक अटैक हो जाएगा बैक अटैक इज पॉसिबल एंड इफ बैक अटैक इज पॉसिबल तो इसका मतलब क्या है यहां पर अब यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये ओ एच हैवी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ आएगा तो ये पूरा परत एक छाते के तरह छाता मतलब अम्ब्रेला की तरह जैसे मान लो ये अम्ब्रेला है बहुत तेज आंधी आई तूफान आया हवा चली तो ये अम्ब्रेला कैसे होता है ऐसे घूम जाता है इस चीज को केमिस्ट्री में बच्चों बोलते हैं अम्ब्रेला इनवर्जन अमोनिया के स्ट्रक्चर के टाइम पे भी हमने ये बात करी है इलेवेंथ में तो अब यहां पर भी वही होगा जब ये ओ OH अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से आएगा तो अम्ब्रेला इनवर्जन हो जाएगा यानी ये तीनों यहां पर एच था यहां एच था या सी एच सी था यहां भी एच था ये इस तरह मूव कर जाएंगे और ओएच OH धीरे धीरे आने लग जाएगा लगने लगेगा इसकी तरफ और जैसे जैसे ये लगेगा सी एल माइनस भारत हो जाएगा यहां पर एक ऐसी स्टेट बनेगी ध्यान से देखो कार्बन की वैलेंसी अगर देखा है तो यहां पांच हो रही है पेंटा हो रहा है इसको बोलते हैं बच्चों क्योंकि स्टेबल नहीं होती तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और ऊपर वाले एस एन वन के अंदर जो ये बीच में आया था इसे कहते हैं इंटरमीडिएट क्योंकि ये स्टेबल भी है यहां पर स्टेबल इंटरमीडिएट है हमारे पास यहां पर यह हो रही है ट्रांजिशन स्टेट अब क्या होगा अच्छा जब मैं रिएक्शन एनर्जेटिक्स पढ़ाऊंगा तब भी ये कहूंगा कि देखो यहां पर बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक यानी जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आएगी बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक मेरे दोस्तों जैसे जैसे उवच लग रहा है बॉन्ड बन रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी सीएल को बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर रही है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं दोस्त बनाते जाते हैं तो आपको दोस्तों की बात अच्छी लगती है और पेरेंट्स से और टीचर से दूरी बढ़ती रहती है तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों हमारी बातें भी माननी है पढ़ाई के लिए करियर के लिए बहुत जरूरी है So, ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर क्या हुआ यहां पर देखा जाए तो ये प्रो, प्रोसेस एक ही स्टेप में हो गया दोस्तों ध्यान रखना कई बार बच्चों कंफ्यूजन होती है एस वन एक स्टेप में होता होगा नहीं एस वन का मतलब है हर स्टेप पर एक ही न्यूक्लियोफाइल है तो उसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर एस एन टू जो है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है एस एन वन दो स्टेप में होता था ये सिंगल एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है दोस्तों यहां सी एस थ्री यहां एच यहां एच और यहां ओ OH। एच अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से आने वाला भी और जाने वाला भी दोनों एक ही स्टेप में अवेलेबल है सिंगल स्टेप में अवेलेबल है जब दोनों एक ही स्टेप में अवेलेबल है तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर ठीक है दोस्तों यानी एस एन टू तो आज हमने कमाल की चीज पढ़ी एस एन वन एंड एस एन टू को समझा और कुछ क्वेश्चन देखे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं रहा हूं। आप उससे भी होगी मैंने अन अकेडमी के ऊपर डाला हुआ है वहां भी आप देख सकते हैं बट यहां पर लाइव क्लास का अलग ही मजा आएगा तो दोस्तों मान लीजिए आप एक बस में चढ़े बस भरी हुई थी सीट मिलने के दो चांस हैं पहला कोई उठ के जाए तो आप बैठो तो ये दो स्टेप में होगा पहले कोई उठ के जाएगा फिर आप बैठ पाओगे इस टाइप का जो प्रोसेस है ये एस एन वन है दूसरा क्या है आप बस में चढ़े आपने सामने वाली पार्टी को थप्पड़ के उठाया और आप खुद बैठ गए ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो जाएगा अच्छा, जो मेथड है है वो तब हो सकता है, जब जाने वाली वाली पार्टी और और आने वाली तो यानी के अंदर अटैकिंग का भी रोल होता है और इसी को हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन में भी कि SN1 का का ऑर्डर होता होता है SN2 का होता है बच्चों पूरी हुई तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आया इसे कहा जाएगा और इसके बारे में भी हम पूरी बात ध्यान से पढ़ेंगे तो आज जो मैंने पूरा पढ़ाया है